हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस जरूर इनको स्टडी कर लेना। सारे वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर जो वीडियो आया है आज के दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल भी इसको मिस मत कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो जरूर आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं वापस, यस, आईपीओ का सीज़न हम लोग को वापस शुरू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 4 से 5 आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाले, उसमें से नायका का आईपीओ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी कर लिया है। वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दोस्तों, फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो पीबी फिनटेक या फिर पॉलिसी बाज़ार, जो यूजुअली देखा गया तो पॉलिसी बाज़ार के नाम से ही ये आईपीओ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप सभी लोगों को पता है, जब भी हम लोग आईपीओ की बात करते तो दो ही रास्ते रहते हैं। सबसे पहले क्या लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या फिर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। एंड लिस्टिंग गेन के लिए आप सभी लोगों को पता है लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सर वीडियो बनाइए पॉलिसी बाजार का जो आईपीओ हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम से रिलेटेड प्रॉपरली डेटा अवेलेबल नहीं था। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम प्रॉपरली डेटा अवेलेबल है, सो अभी हम लोग यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। सो चलिए, यहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही बढ़ेंगे यहाँ पे आगे। अगर मैं बात करूँ तो पीबी फिनटेक की अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया का लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लोगों को इंश्योरेंस एंड उसी से रिलेटेड लेंडिंग से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग पीबी फिनटेक की बात करें, सो 2008 में उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, क्या लॉन्च किया था, पॉलिसी बाज़ार। यस दोस्तों, पॉलिसी बाज़ार इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नाम में ही सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, पॉलिसिया, पॉलिसिया मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इंश्योरेंस पॉलिसीज़, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, तो जो सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे ऑफलाइन देखने को मिल रही थी, ये सारी चीज़ें हम लोग को ऑनलाइन देखने को मिलती है। एंड ऑनलाइन देखने को मिलती है मतलब यहाँ पे अलग अलग पॉलिसियाँ हम लोगों को देखने को मिलती है, अलग अलग कंपनियाँ अवेलेबल है, आप सभी लोगों को पता है, तो एक अच्छा खासा यहाँ पे आप लोगों को क्या मिलता है, चॉइस भी मिल जाता है, राइट, एंड अलॉन्ग विद द ट्रांसपेरेंसी। तो ये सारा कंपैरिजन आप कर सकते हो, डेटा चेक कर सकते हो, एंड अगर आप लोगों को जो भी पॉलिसी अच्छी लगती है आप आगे भी यहाँ पे मतलब बढ़ सकते हो। सो पॉलिसी बाजार से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल यहाँ पे आप लोगों को मतलब एग्जैक्टली क्या बिजनेस है इससे रिलेटेड बताने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग को अंदाजा है। उसी के साथ साथ अगर पीबी फिनटेक की बात करें, पॉलिसी बाजार के साथ साथ उन्होंने 2014 मतलब 2008 में पॉलिसी बाजार आया था, लॉन्च किया था, उसके बाद पैसा बाजार उन्होंने 2014 पे यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया। एंड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं इसमें हम लोग को पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी से रिलेटेड हम लोग को ये सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। उसी के कारण हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे अलग अलग उनके पार्टनर्स भी बनते हुए देखने को मिले, जिसमें 54 लार्ज बैंक्स भी आते हैं, NBFC भी आते हैं, राइट, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड होती है। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कंपनी के स्ट्रेंथ, यस, ये कंपनी बाकी इनके कॉम्पिटिटर से अलग कैसी देखती है, तो इससे भी हम लोगों को थोड़ा सा इनका बिजनेस का अंदाज़ा यहाँ पे वही ऑलरेडी जो हमें पता है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं प्रोवाइड अ वाइड चॉइस, ये सबसे मेन बात है कि अगर आप इनके वेबसाइट के ऊपर जाओगे, यहाँ पे अगर आप लोग जाओगे मतलब आपको यहाँ पे सारे चॉइस मिलेंगे। उसी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी टू द कंज्यूमर टू रिसर्च एंड सिलेक्ट द इंश्योरेंस एंड अ पर्सनल क्रेडिट प्रोडक्ट, तो ये सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पे ओपनली अवेलेबल रहेगा, जो इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी हेल्प इन अ सुपीरियर डेटा इंटेलिजेंसी एंड कस्टमर सर्विस, ये भी इनका एक कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग देखे गए तो पार्टनरशिप बहुत ही अच्छा खासा इनके अलग अलग प्रोडक्ट के साथ, लेंडिंग प्रोडक्ट, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ इनका अलग अलग कंपनी के साथ पार्टनरशिप है, तो ये भी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती है। बट कुछ ऐसी भी कंपनी है जो कि अभी भी फिलहाल इनके साथ पार्टनरशिप नहीं की है, बट जितने पॉपुलर है हम लोग कह सकते हैं उसमें से 80% तो इनके साथ यहाँ पे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट फॉर द पॉलिसी बाजार एंड द पैसा बाजार प्लेटफॉर्म, हाई रिन्यूअल रेट्स, ये भी एक हम कह सकते हैं इनका स्ट्रेंथ है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ पे रहते हैं वो लो यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि हम लोग कह सकते हैं एक अच्छा कंपनी के लिए स्ट्रेंथ रहने वाला है। एंड उसी के साथ साथ जो मैनेजमेंट है बताया जा रहा है कि एक्सपीरियंस है, वही हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हम लोग कह सकते हैं। अभी आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए विचार कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग होने चाहिए, राइट। सो लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा कोई दिक्कतें होने वाली नहीं। अगर आप कंपनी का मतलब फुल 12 मंथ का डेटा देखोगे,
31 मार्च 19, पूरा साल 20 का देखोगे एंड 21 का देखोगे, ठीक है। ये तो टोटल असेट्स की बात हो गई, ये तो रेवेन्यू की बात हो गई, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखोगे, ये देखिए टोटल रेवेन्यू, कंपनी इनकम तो कर पा रही है, रेवेन्यू मतलब पैसा तो आ रहा है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं। एंड फाइनल जो फिगर आ रहा है वो कोई प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉस में है। यस 2019 में भी, 2020 में भी, 2021 में भी। बट एक पॉजिटिव पॉइंट कौन सा है कि लॉस पहले 3,500 था, देन 3,000, देन 1,500, ऑब्वियसली रुपीज इन मिलियन से अगर आप चाहो तो करोड़ में काउंट करना चाहते हो, सो 350 करोड़ रफली, देन 300 करोड़, देन कम होके 150 करोड़, एंड अभी के लेटेस्ट क्वार्टरली के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो एक 1100 या फिर 110 करोड़ के आसपास, मतलब लॉस में है कंपनी, नो डाउट, बट लॉस यहाँ पे कंट्रोल होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे अंदाज़ा ले सकते हो। पर जैसे आप सभी लोगों को पता है, लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ब्लाइंडली जाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। कंपनी को पहले लिस्ट होने दो, थोड़ा सा एक दो अच्छे क्वार्टर्स आते हैं नहीं आते, परफॉर्मेंस क्या रहता है वो यहाँ पे देखने दो, उसके बाद हम लोग आराम से यहाँ पे डिसीजन ले लेंगे। अभी की अगर हम लोग बात करें आईपीओ का जो सीज़न है, राइट, मैक्सिमम सारे आईपीओस अगर आप देखोगे, मैक्सिमम हम लोगों को सारे ओवर वैल्यूड ही देखने को मिल रहे हैं, जो वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा चार्ज हो रहा है, एंड पब्लिक देने के लिए भी तैयार है, आप लोगों ने देखा भी होगा, हायर लेवल पे करने के लिए भी तैयार है। सो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फिलहाल हमारा जो मोटिव रहता है, एटलीस्ट मेरा जो फोकस रहता है वो लिस्टिंग गेन की ओर ही ज़्यादा रहता है। अगर लिस्टिंग गेन के लिए अगर कंपनी अच्छी है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल मैं किसी भी कंपनी का विचार नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, सर नाइका का आईपीओ में वैल्यूएशन ये है वो है, ऑलरेडी सबको पता है, बट हम लोग वहाँ पे भी लिस्टिंग गेन के लिए सिर्फ टारगेट वहाँ पे करें, वहाँ पे लिस्टिंग गेन बहुत अच्छा मिल सकता है, 50-55%। अभी फिलहाल एक बार चेक कर लेना ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है, बट 50% के आसपास तो चल रहा है, ठीक है। अभी भी कहना चाहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल जितने भी आईपीओज आ रहे हैं यूजुअली अवॉइड ही करेंगे तो ठीक है, सिर्फ लिस्टिंग गेन ये मेजर फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है, अभी जो पैसा आएगा तो ये कंपनी पैसे का करेगी क्या, राइट, वो भी एक हम लोगों को अंदाज़ा यहाँ पे दिया हुआ है, पर्पस क्या है तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, आप देख सकते हैं 15,000 मिलियंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कह सकते हैं एनहांस करने वाले विजिबिलिटी, उसी के साथ साथ अवेयरनेस ऑफ द कंपनीज ब्रांड। ओके, कंपनी के ब्रांड ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट है, बहुत सारे लोगों को इनके ब्रांड्स के बारे में पता नहीं, तो उसके लिए वो खर्चा, मतलब जो पैसा आने वाला है उसके ऊपर ये खर्चा करेंगे, ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कोई नए अपॉर्चुनिटीज़ है कंपनी को एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए लगभग 3,750 मिलियंस तक का उन्होंने यहाँ पे साइड में अमाउंट कैलकुलेट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कुछ स्ट्रैटेजिक फंडिंग की अगर हम लोग बात करें, जो कि इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन करने के लिए लगभग 6,000 मिलियन साइड में रखा हुआ है, जो कि आगे हम लोग को कभी ना कभी न्यूज़ सुनते हुए देखने को मिल सकती है कि शायद से इस कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया या फिर इसको खरीद लिया है, तो हम कह सकते हैं उसके लिए भी उन्होंने बताया कि जो पैसा यहाँ पे आने वाले, अभी जो अमाउंट यहाँ पे बता रहे उससे एक अंदाज़ा आ रहा है कि यहाँ पे फ्रेश इशू हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। ऑफर फॉर सेल तो वो उनके जेब में चला जाएगा, बट कंपनी का फ्रेश इशू अच्छा हो सकता है। देन एक्सपांड इन प्रेजेंस आउटसाइड द इंडिया, अच्छा ठीक है, कंपनी को इंडिया के बाहर भी लेके जाने के लिए लगभग 3,750 मिलियंस तक का खर्चा ये यहाँ पे करने वाले हैं, एंड जनरल कॉरपोरेट पर्पस, ठीक है। अभी आ जाते हैं फटाफट फॉर्मेलिटीज़ डेट के ऊपर, 1 नवंबर को ओपन होगा, 1, 2, 3 तीन दिन तक ही चलेगा, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, हमेशा की तरह 1 तारीख को कभी अप्लाई नहीं करना, करना है तो 2nd या फिर 3 तारीख को अर्लियर स्टेज में, राइट, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, वरना टेक्निकल इशू के कारण आपकी अपॉर्चुनिटी भी जा सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बुक बिल्डिंग है, 2 प्राइस बैंड मिलेंगे, 940-980 कट ऑफ ही इंपॉर्टेंट होता है एंटर करने के लिए, 2 का फेस वैल्यू, तो फ्यूचर में अगर कभी कुछ हुआ तो एक बार ही स्प्लिट वहाँ पे हो सकता है। 15 का लॉट है, आप देख सकते हो NSE BSE दोनों के ऊपर ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी। टोटल इशू साइज़ कितना है, लगभग 5,500 करोड़, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा है, एंड अच्छी बात ये है हम लोग कह सकते हैं कि कंपनी के पास 3,750 करोड़ जाएंगे, एंड ऑफर फॉर सेल 1,875 करोड़ यहाँ पे जो माल बेच रहे हैं उनके पॉकेट में जाएंगे। अगेन हम लोग यहाँ पे टाइम टेबल है उसको फटाफट गो थ्रू कर लेते, 1, 2, 3 ऑलरेडी हम लोग को पता है 3 तारीख को क्लोज हो जाएगा, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 10 तारीख को अलॉटमेंट होगी, नहीं मिला तो 11 तारीख को रिफंड हो जाएगा, देन 12 तारीख को आपके शेयर्स आपके डिमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, एंड 15 तारीख को एक नई कंपनी बाजार में वापस एंट्री होते हुए, वापस मतलब एक नई कंपनी और एंट्री होते हुए देखने को मिल जाएगी। रिटेल कैटेगरी में ही अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 1 लॉट 14,700 पे पड़ेगा, अगर आप मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर लेते हो तो भी आप लोग रिटेल कैटेगरी में रहोगे, उसके ऊपर अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो रिटेल कैटेगरी के बाहर निकल जाओगे, हाई नेटवर्थ में आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। सो हम लोग ओवरऑल ये जो सारा डेटा है वो तो हम लोगों ने देख लिया, अभी मैक्सिमम जैसे मैंने आपको कहा कि लिस्टिंग गेन के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, एंड उसके लिए चाहिए
अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, क्या पैसा डबल हो सकता है, तो चलिए देख लेते हैं। सो दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम है इस कंपनी का, फिलहाल इस स्टॉक का अगर मैं बात करूँ 30 अक्टूबर आज ही के दिन 12:30 बजे तक 175 रुपये, अभी 175 रुपये, एंड स्टॉक का प्राइस अगर हम लोग कट ऑफ प्राइस का हाईएस्ट प्राइस भी पकड़ लेते हैं तो कितना आता है, तो लगभग आता है दोस्तों 17%, 17 से 18%। कल के दिन की बात करें तो ये लगभग 10 से 13% के आसपास था, आज 17% देखने को मिल रहा है। इतना सुपर डुपर तो नहीं है बट कंप्लीटली बुरा भी नहीं है, बट इतना हम लोग कह सकते हैं 15 से 20 के बीच में हम लोग को ये प्रीमियम फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लीडिंग है देखा गया तो जिस सेक्टर में काम करती है, ऑनलाइन मतलब इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो उस टाइप का थोड़ा बहुत मोनोपोली भी इनके पास ज़रूर अवेलेबल है, बट जैसे हम लोगों ने देख लिया कि अवेयरनेस बहुत ही कम है एंड उसी के चलते रीच होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंपनी फिलहाल लॉस में देखने को मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल हम लोग अवॉइड करेंगे। क्या लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए, 17% फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इस आईपीओ में जो आखिरी दिन रहेगा, आखिरी मतलब जो डेट रहेगा, पहली तारीख को तो अप्लाई नहीं करना है, आप चाहो तो सेकेंड को यहाँ पे या फिर 3 तारीख को ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के ही यहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे चेक करो, अगर 10% के नीचे चला जाता है ग्रे मार्केट प्रीमियम तो फिर अप्लाई करना थोड़ा सा मतलब रिस्की हो सकता है, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर 15% से 20% तक रहेगा तो मैं अगर मैं अपनी बात करूँ राइट, तो फैमिली मेम्बर्स की अगर मैं बात करूँ तो हर किसी के नाम पे नहीं, मैं सिर्फ अगर लगाऊंगा तो अपने ही एक अकाउंट से लगा दूंगा, इतना ही मैं रिस्क लूंगा क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कम ही नज़र आ रहा है। नायका के आईपीओ में तो मतलब हर फैमिली मेंबर से एक एक तो ऑलरेडी मतलब लौट जा चुका है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो 17% देखने को मिल रहा है, ये कोई गारंटी नहीं कि 17 के ऊपर ही लिस्ट होगा करके, ये 20, 25, 30, 45 तक भी जा सकता है, ये एक अंदाज़ा है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो नायका के आईपीओ में जैसे मैंने आप लोगों को आखिरी इन्फॉर्म किया था कि मैं क्या करूँगा करके, सो सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, बट अगर यहाँ पे इसी रेंज में रहा, फॉर एग्जांपल 17 ही पकड़ लेते हैं, अगर आखिरी दिन में भी 3 तारीख को पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरे शायद से मैं अपने एक ही लॉट से यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूँगा खुद के मेरे नाम से ही। बाकी आईपीओज हम लोग चेक करेंगे, वहाँ पे अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो वहाँ पे मैं फैमिली मेम्बर से मतलब एक एक लॉट अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, बट सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए सोचना, लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो विचार मैं तो नहीं करूंगा, कंपनी लॉस में प्रॉफिट में आ जाने के बाद एंटर कर लेंगे, क्या जल्दबाजी है, ठीक है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जितने भी डाउट थे वो क्लियर भी हो गए होंगे, मैं अगेन कह रहा हूँ आखिरी दिन पे मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।